हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गाइड एल्टिन। जामिया मिलिया इस्लामिया द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, जहां प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। यहां पर देश भर से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए बहुत ही मेहनत व मुशक्कत किया करते हैं। आपको मालूम होगा कि जामिया के मोस्टली कोर्सेस में एडमिशन एंट्रेंस बेसिस पर होती हैं। ऐसे ही एक एंट्रेंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 11th क्लास के आर्ट्स स्ट्रीम एडमिशन एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर है। ये जो एंट्रेंस हुआ था 21 अक्टूबर 2020 को, इसमें टोटल टाइमिंग जो है 2 आवर्स दी गई थी, 2 घंटे का समय दिया गया था और 100 क्वेश्चन थे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। ये एक प्लस पॉइंट था स्टूडेंट्स के लिए और ये सेट डी था। तो इस वीडियो में हम ये 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, लेकिन सारे उनके बारे में डिटेल्स में देखना पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न ये है कि 100 क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लॉन्ग हो जाएंगे अगर 100 के 100 डिस्कस किए जाएं। तो इसलिए इसमें जो भी करेक्ट आंसर है उनको हमने यहाँ पर इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में क्या कर घेर दिया है, जिससे कि सही आंसर पता चल सके कि सही आंसर क्या है। जैसे फर्स्ट का आंसर देखिए सी है, सेकंड का जो आंसर है वो बी है। तो इसी तरीके से अगर आप 1 बाय 1 देखेंगे तो सभी के आंसर आपको इसी तरीके से मिलेंगे। थर्ड का देखेंगे तो ये ए आंसर है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। फोर्थ में ये जो करेक्ट आंसर है इसका डी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी डी नहीं, ए इसका करेक्ट आंसर है, ए अरुणाचल प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें 2 है तो एक ये वाला जो है डी गलत है, इसका ए अरुणाचल प्रदेश सही इसका आंसर है। तो ऐसे ही आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे सभी में आपको इसी तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में घेरा हुआ दिख जाएगा। तो आप इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 देख सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न ये था कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं जामिया, खास तौर से जामिया के एंट्रेंस में, तो जामिया के जो एंट्रेंस से रिगार्डिंग जो भी मटेरियल है, खास तौर से मैं अगर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूं तो ये क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाती हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो है ये नहीं मिल पाती है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि पैटर्न देख पाना कि पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चंस जो है किस टाइप के हो सकते हैं और लेवल क्या होगा। तो सारे लेवल जो है अगर आप देखेंगे क्वेश्चन का तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लेवल है सारे क्वेश्चंस के। तो इस वजह से ये जो वीडियो है और इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दिए गए हैं, तो ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा जिन्होंने अभी एंट्रेंस दे करके आए हैं, बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चंस का अगर आप लेवल देखेंगे क्वेश्चंस के तो काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही अच्छे लेवल है, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो आते हुए भी अक्सर गलती कर सकते हैं, उस तरह के इसमें क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक जो है इसमें सारे जीएस वाला ही पोर्शन चल रहा है, तो 83 तक जो है इसमें जीएस वाला पोर्शन था पूरे क्वेश्चन पेपर में, अभी भी जीएस वाला ही चल रहा है। और ये आप यहाँ पर देखेंगे तो 83 क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है 83 से लेकर के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश में ही है। क्वेश्चन नंबर 88, 96 और इस तरीके से ये सारे के सारे लास्ट वाला जो पेज है ये भी इंग्लिश का ही है और ये लास्ट पेज है 97, 98 और ये क्वेश्चन नंबर 100। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चंस हैं और सभी के इसी तरीके से आंसर बता दिए गए हैं। अगर आपने भी एंट्रेंस दिया है
तो आप यहाँ से देख सकते हैं और अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने स्कोर फाइनली बन रहे हैं। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई गाइड अल्टीम चैनल।